अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल के और 1/2 कप इसमें पानी डाला और इन्हें ब्लेंड कर लिया। अब मैंने इसे कढ़ाई में डाला तो ये जब थोड़ा सा खुश्क हो गया, पानी जो इसमें डाला था वो खुश्क हो गया, तो उसमें अब मैंने डाला है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून और यहाँ पे नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल मैंने 3 बड़े चम्मच डाले और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स किया। और यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने भुना है इसे मसाले को, और इसके साथ ही मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। चिकन मेरा तकरीबन 1 kg था। चिकन डालने के बाद अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ी देर भूनूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये भूनते भूनते ही हमारा चिकन रेडी होगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके और इसे भूनती रहूँगी। तकरीबन यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए थे और तकरीबन ये देखिए मेरा चिकन काफ़ी हद तक जो है वो इसका मसाला निकल गया है और इसका ऑयल जो है वो बाहर आ गया है। ये अच्छा सा भुन गया था, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे थोड़ी देर और भुनने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर कर दूँगी। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक कवर करने के बाद जब मैंने कवर उठाया तो चिकन तैयार हो गया था। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर और गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। मैंने मिर्चें इसमें काफ़ी ज़्यादा डाली है, स्पाइसी सा चिकन है और ये इसी तरह मज़ेदार होता है क्योंकि मसाले वाला है तो वो मीठा इसका टेस्ट ना आए, लेकिन ज़्यादा भी मिर्चें नहीं है, बहुत ही इतना भी स्पाइसी नहीं है कि खाया ना जा सके। बहुत ही मज़ेदार मसाला चिकन बनता है इस तरह। और अब मैंने इसमें शामिल किए इसे गार्निश करने के लिए, इसके ऊपर मैंने डाली है सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ धनिया और अदरक। चिकन हमारा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।